जब जब बहार आए। ये तो मैं जानती हूँ कि मनीष को मेरी या बच्चों की कोई परवाह नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, अगर उसे तुम्हारी परवाह नहीं है तो वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। हाँ कामया, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता, और जो जिसके लायक नहीं होता ना उसे उसकी कदर नहीं होती। तो क्या हो गया उसे विशाखा मिल, तुम्हें भी कोई मिल सकता है। नहीं विक्रम, अब तो किसी रिश्ते पर भरोसा करने से दिल डरता है। न जाने कब किसी की नजर और हमारी जिंदगी बदल जाए, कोई नहीं जानता। ऐसा नहीं काम्या, जिंदगी और नजर हमेशा नहीं बदलती। कई लोग और उनकी नजर ऐसी होती है जो कभी नहीं बदलती, बस उन्हें देखने का नजरिया होना चाहिए। वैसे मेरा ख्याल तो यह है कि तुम्हें मनीष से जुड़ी हर बात को भुला देना चाहिए। तुम उसे जितना याद करोगी उतनी तकलीफ होगी। किसी को याद करना आसान होता है विक्रम, पर उसे भूल पाना एनीवेज, मैं चलती हूं। बहुत सही टाइम पे आए हो विक्की बाबू, आज तुम्हारी अच्छी खातिरदारी होगी। कैसे हो विक्की? जी जी अच्छा हूँ। आओ बैठो, खड़े क्यों, बैठो बैठो। वो एक्चुअली टीना ने जैसे मुझे फोन पे सब कुछ बताया तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं मिलने चला आया। मुझसे या फिर टीना से मिलने चले आए? आप दोनों से, आई मीन तीनों से। भाई हमसे तो तुम मिलने आए हो, पर टीना को तो साथ लेके जाओगे ना? बेचारे बच्चे भी क्या क्या सपने देखते हैं, और अगले ही पल क्या हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। भाई हम लोगों ने तो फैसला कर लिया है कि अब जैसा टीना चाहेगी वैसा ही होगा। वो उस दिन के लिए मैं आप दोनों से सॉरी बोलना चाहता हूँ, स्पेशली सुकेश जी आपसे। उस दिन गुस्से में आके मैंने आपसे बहुत कुछ बोल दिया था, छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। पागल है क्या, ये तो प्यार है, और इसी की वजह से तो टीना ने इतना बड़ा फैसला लिया है। छोटा भाई समझने वाली क्या बात है, तू तो मेरा छोटा भाई है। अब हाँ विक्की बाबू, टीना का जो भी फैसला होगा वही हम सबका आखिरी फैसला होगा। लेकिन हाँ तुम संभालना, कहीं तुम्हें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए।
सॉरी सुकेश, तुम विकी बाबू की खातिरदारी करो। हाँ। मैं टीना को लेकर आती हूँ। हाँ, जरूर। आराम से बैठो, बी कंफर्टेबल। भाई अब तो तुम इस घर के दामाद बनने वाले हो, हमारे जैसे रुतबा होगा तुम्हारा भी। हे भगवान, इतनी जल्दी एक आदमी में इतनी चेंज कैसे आ सकती है? जिसने भी कहा है सही कहा है कि इंसान का कोई भरोसा नहीं है कि कब बदल जाए। पानी पी ले टीना। भगवान जो करते हैं ना, हमेशा अच्छे के लिए करते हैं। ये जो भी सिचुएशन है, इसकी जिम्मेदार तू नहीं है टीना। तू कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती, और मुझे पूरा यकीन है कि जब विक्की को तेरी मजबूरी के बारे में पता चलेगा तो वो समझेगा तुझे। अगर विक्की को पता चलेगा कि मम्मा ने ये सब किया है तो वो कभी मुझे बुला नहीं पाएगा। मैं खुद मना करूंगी उससे शादी के लिए। टीना, विक्की आया है बाहर, मिलना चाहता है तुझसे। ऐसे वक्त पर विक्की आया है? मम्मा आपने उसे अंदर आने कैसे दिया? आप जाके उसे भेज दीजिए, नहीं तो मैं जाके बोलती हूँ। नीलू, ना मैं ना तुम और ना ही कोई और, अब टीना के बीच में कोई भी नहीं आएगा। टीना को अपनी जिंदगी का जो भी फैसला लेना है ये खुद लेगी। देख टीना, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो फैसला लेना है सोच समझकर अपने हिसाब से ले। तुझे मेरे बारे में या किसी के भी बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। फैसला तो हो चुका है ना मम्मा, अब कौन सा फैसला लेना बाकी? कोई भी रिश्ता किसी की जान से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना। किसी कश्मकश में पड़ने की जरूरत नहीं है, बाहर निकल उससे। विक्की के साथ जाना चाहती है ना तू? तो ठीक है, उसी के साथ जा, किसी के बारे में मत सोच। तुझे जो भी करना है अपने हिसाब से कर, किसी के बारे में मत सोच। तू इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अपने दिमाग से फैसला ले। मैं ये बैग लेकर बाहर जा रही हूँ, जल्दी से बाहर आ जा, तेरा इंतजार कर रहे हैं हम लोग बाहर। ठीक है मम्मा? मम्मा क्या कर रहे हो यार? दीदी, तुम्हारे तो अच्छे दिन शुरू हो गए विक्की बाबू। ये लो विक्की बाबू, लेकिन मेरी बेटी टीना का ख्याल रखना। अब पता नहीं उसके सुख दुख देखने का मौका मिले ना मिले, पता नहीं मैं जिंदा रहूं ना रहूं,
पर मैं अपनी बेटी टीना को दिल से तुम्हें सौंप रही हूँ। आंटी, आंटी मैं टीना को ले जाने के लिए नहीं आया था, मैं तो सिर्फ उससे मिलने के लिए आया था। और मैं तो उसको यहाँ से शादी करके लेके जाऊंगा, जहाँ आपकी फैमिली होगी मेरी फैमिली होगी, ऐसे थोड़ी लेके जाऊंगा। अरे टीना, टीना, अरे टीना कहाँ रह गई भाई तुम? जल्दी आओ, विक्की बाबू इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। देखा तुमने, हमारे प्यार की जीत हुई। आंटी जी, मैं आपको कैसे थैंक्स बोलूं? अब आप देखिएगा, मेरे मम्मी पापा बहुत जल्दी आपके पास हमारे रिश्ते के लिए आएंगे। तब तक टीना को मेरी अमानत समझ के अपने पास में रखना। बेटी को हमेशा बहुत खुश रखूंगा। बंद करो ये डायलॉग बाजी विक्की। चल रही है मेरी अमानत तुम्हारी अमानत क्या लगा रखा है तुमने? ये असलियत है, असलियत। आंखें खोलो और असलियत को पहचानो। क्या असलियत? क्या हो गया तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें हुआ है। तुम लोगों ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मेरी भी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? बातें बनाने के अलावा और क्या आता है तुम लोगों को? चले जाओ यहां से विक्की, नेक्स्ट टाइम यहां पर अपनी ये लंबी लंबी स्पीच लेकर मत आना। टीना, क्या हो गया तुम्हें? क्या बोल रही हो तुम? वही जो तुम सुन रहे हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ टीना। बस करो यार तुम्हारे प्यार का नाटक। तुम्हारे इस इमोशन ड्रामे से मैं पक चुकी हूँ। तुमने मेरी बहन के साथ जो किया, उसके बाद भी मुझसे शादी करना चाहते हो? टीना, जब जब दोनों फैमिली रेडी है तो तुमको क्या हो गया है? तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है शादी से? गो अवे विक्की, आज के बाद मुझे फोन मत करना। टीना, अरे टीना, जब जब बहार आए। गो अवे विक्की, आज के बाद मुझे फोन मत करना। टीना, अरे टीना, टीना, अरे अरे विक्की बाबू, कहाँ घुसे चले जा रहे? इतना सुनने के बाद भी तुम्हारे दिमाग का ढक्कन खुला नहीं क्या? वो ऐसा नहीं बोल सकती मुझसे, वो शायद किसी दबाव में आके इतना कुछ बोला उसने। कमाल है, अब तुम लोगों की ये ड्रामे की आदत भी ना। तुमने देखा ना विक्की बाबू कि मैं उसका बैग पैक करके लेके आई हूँ कि वो तुम्हारे साथ चली जाए। अब देखो, उसने खुद ही तुम्हारे साथ जाने से मना कर दिया और तुमने नई कहानी बना दी कि वो ड्रामा कर रही है, वो दबाव में है। नहीं, जब तक मैं उससे अकेले में नहीं मिल लेता तब तो मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। बस फैसला हो चुका,
और अब अगर तुमने दो मिनट भी यहां रुकने की कोशिश की तो इसे मैं बदतमीजी समझूंगा। और बदतमीज लोगों से मुझे सख्त नफरत है क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ा बदतमीज हूं। Get out. Out! Sorry, विक्की बाबू, मैंने तो बहुत कोशिश की। निकलो। कमाल हो गया। अब हमेशा के लिए निकल गया। बहुत खुशी हुई।
विशाखा, बच्चों ने खाना खा लिया? तुम कब आए? मैं बस अभी पहुंचा, मैं थोड़ा लेट हो गया था, पर बच्चे सो गए खाना खा के? हाँ, बच्चों ने खाना भी खा लिया। उनकी भी नई नई फरमाइशें थी, कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ, तो मैंने उनके फरमाइशों का खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। मैं समझ सकता हूँ शाका तुम्हारी तकलीफ, पर ऑल थैंक्स टू यू, तुम उनका ख्याल अच्छे तरीके से रख रही हो। नहीं मनीष, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैंने कभी बच्चे इससे पहले संभाले नहीं, मेरे लिए ये एकदम नया काम है। बस एक बार उनकी पसंद का खाना बनाना आ जाए, फिर सब सॉल्व हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ। And I'm proud of you, Vishak, कि तुम उनका ख्याल रख रही हो और अच्छे तरीके से। I'm really happy. पता विशाखा, विशाखा तुम जानती नहीं, तुम मेरी कितनी हेल्प कर रहे हो। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हारी इतनी सपोर्ट देखकर मैं बहुत खुश हूं। मैंने डिसाइड किया है कि मैं कल ही पंडित जी को बुलाकर हम दोनों की शादी की डेट फिक्स करूंगा। वाओ मनीष, मैं बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा। ऑल थैंक्स टू यू, थैंक यू। मैं तुमसे एक गिफ्ट चाहती हूँ। मैं समझा नहीं, कैसा गिफ्ट? आज तुम बाहर नहीं, मेरे रूम में सोओगे मेरे साथ।